आज तो तू नहीं बचेगा राहुल, आज मैं तुझे खत्म कर दूंगा। और शायद तू बोल रहा है कि आज पूर्णमासी की रात भी नहीं है। मैंने तुझे अपना दोस्त समझा, अपने घर में जगा दी, लेकिन तू तो दोस्त के रूप में दुश्मन निकला। तूने मेरे साथ क्या किया? कहाँ गया राहुल? ये उसके काम आ सकता है। राहुल, अरे हमको कोई बताएगा इधर क्या हो रहा है? ये कबीर, अग्नि, जो कुछ भी है, ये है क्या? उसके बारे में क्या जानता है आप लोग? हमको बता, बता ना हमको। अभी नहीं, क्या बताऊं, हमें भी नहीं पता था कि कबीर ऐसे निकलेगा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। राहुल, राहुल, अरे मानवी को बुलाओ, वो बाहर क्यों गया? अरे उसका जान को खतरा है, राहुल भी बोल रहा था ना। दरवाजा खोलो, हमारा बच्ची बाहर है। भाई साहब, दरवाजा बाहर से बंद है भाई साहब, और हम कुछ भी कर ले मानवी नहीं रुकेगी। लेकिन उसका जान को खतरा है, अभी सबके सामने बोला ना, वो शैतान पड़ा है उसका पीछे, वो कबीर। वो जिसकी भी जान का दुश्मन हो, लेकिन मुझे पता है मानवी राहुल को अकेला छोड़ के नहीं आएगी। समधन जी की बात सही है, मानवी और राहुल में कितना भी झगड़ा होने दो, लेकिन दोनों एक दूसरे का साथ मुसीबत के वक्त नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वो अग्नि के साथ कैसा लड़ेगा? वो तो शैतान है। सच्चे प्यार में बहुत ताकत होती है भाई साहब, और मुझे पूरा भरोसा है कि जब तक मानवी राहुल के साथ है, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मानवी कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ निकालेगी राहुल को बचाने के लिए। राहुल की आवाज है, मुझे बाहर जाना है। दरवाजा खोलो, राहुल की जान खतरे में है, सुनाली मुझे बाहर जाना है। राहुल बाहर है, तुम्हारी भी बाहर है। भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। अगर उन्होंने कहा है हमें यहाँ पे रुकने के लिए, तो क्या होगा? हम क्या कर लेंगे इंतजार करके? दरवाजा खोलो। तुझे तो मैंने पूर्णमासी की रात को ही मार दिया होता जब तू उस बाघ के रूप में था, बच गया अपने पूर्वजों का बदला लेकर। पर अब ये वक्त भी सही है, कम से कम तुझे मार के मैं अपना बदला तो पूरा करूं। हे माता रानी, आज आपके सामने इतना बड़ा अन्याय होने जा रहा है, बुराई जीत रही है माता रानी। ऐसा कैसे हो सकता है? आप बताइए, कैसे बुराई जीत सकती है आपकी आंखों के सामने? नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता। शेर तो आपका वाहन है, आपकी सवारी है। फिर वो कैसे हार सकता है माता रानी? अगर आज वो हार गया तो उसकी हार के साथ साथ मेरा आप पे से विश्वास भी हार जाएगा। ऐसा मत होने दीजिए माता रानी, ऐसा मत होने दीजिए। आप तो महाबली हैं, आप तो जग जननी हैं माता रानी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मेरे सुहाग की रक्षा करो माँ, मेरे सुहाग को बचा लो। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, कोई चमत्कार करो माँ। साथ दो मेरे राहुल का, साथ दो माता रानी मेरे सुहाग का, साथ दो। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, साथ दो माता रानी, साथ दो।
मुझे पता था आज जरूर कोई अनहोनी होने वाली है। आप कहो तो अभी जाकर मैं राहुल को भी मार देता हूँ। नहीं, पहले मुझे मेरे बेटे को बचाना है। जाओ उसे लेकर आओ। राहुल, हे भगवान, राहुल राहुल उठो, राहुल उठो। कुछ नहीं होने दूंगी मैं तुम्हें। राहुल मुंह खोलो, राहुल आंखें खोलो। छोटू छोटू, राहुल राहुल इनको उठाइए उठाइए। हे भगवान, कितनी गहरी चोट है। लेकिन मानवी, वो कभी वो यहां से बच के भागा कैसे? पता नहीं पापा, मैंने तो किसी अनजान आदमी को उसे गाड़ी में बिठाते हुए देखा और बाहर बहुत सारा खून बिखरा हुआ था। लेकिन ये राहुल उसका मुकाबला कैसे किया? ऐसे शैतान को हराना तो बहुत मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। और फिर हमको तो खाली चीख सुनाई दे रहा था, वहां क्या हो रहा है ये तो हमको पता ही नहीं चला। पता नहीं बाबा, मैं भी इसके लिए सिवाय प्रार्थना के कुछ नहीं कर सकी। इतना कुछ करने के बाद भी तो कह रही है तूने राहुल के लिए कुछ नहीं किया। ये देखिए। अरे मनवी, ये हाथ कैसे जला? ये मेरी बेटी की प्रार्थनाओं की शक्ति ही थी जिसने राहुल को बचा लिया। मुझे आज बहुत बड़ी तसल्ली हुई कि मानवी की और एक माँ यहाँ इस घर में है। ये तो मेरी खुशकिस्मती है समधन जी, और ये मेरी बदकिस्मती है कि मैंने इस मानवी को अंडर एस्टिमेट किया। इंसान तो इंसान, ये तो शैतान पे भी भारी पड़ जाती है। मिश्रा डियर, अगर इस घर में रहना है तो पार्टी बदलो। और अब तो मैंने उस कबीर से भी दुश्मनी मोल ली है, अगर वो बच गया तो मैं नहीं बचूंगी। तुम अभी तक यहाँ से गई नहीं? बहुत हो गया तुम्हारा रोना धोना, अब निकल जाओ यहाँ से। जी मॉम, चली जाऊंगी यहाँ से। मुझे रियलाइज हो गया है कि इस घर में रहने लायक मैं नहीं हूँ। बहुत बुरी इंसान हूँ मैं, शायद उस कबीर की तरह। मॉम, एक तरफ राहुल और मानवी ने हम सबको बचाने के लिए इतना कुछ किया और मैं उस कबीर से इतना डर गई थी कि मैं उसकी हर बात मान रही थी। I just hate myself. लेकिन तुम ये सब कुछ हमें पहले भी बता सकती थी ना? क्या बताती मैं आप लोगों को कि हमारे घर में एक रूप बदलने वाला डीमन रहता है? और आपको क्या लगता है आप लोग मेरी बात मान लेते? मॉम, डैड, मैं जानती हूँ कि जो सिलेंडर वाला इंसिडेंट हुआ वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मैं इतना डर गई थी कि मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ कि मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है। मुझे ऐसा लगा शायद उस कबीर ने मुझे हिप्नोटाइज कर लिया है। तभी तो जैसे ही सब कुछ खत्म हुआ मुझे एकदम से रियलाइज हुआ कि मेरे साथ हुआ क्या है। और तभी मैंने शालिन को आगे सब कुछ बताया, सारी चीजें कन्फेस की, उसे ये सच्चाई भी बताई कि कबीर एक इंसान नहीं है। सब कुछ बताया मैंने शालिन को। अनवी, तुमसे मैं अपोलोजाइज करना चाहती हूँ, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मानवी, प्लीज। मानवी बेटा, गलतियां इंसानों से ही होती है, इससे भी होगी। और वैसे भी कबीर का असली रूप देखकर कोई भी डर जाएगा, तो इसे दोष देना ठीक नहीं होगा बेटा। मैं इसे उस बात के लिए दोष भी नहीं दे रही हूँ माँ। कबीर तो हम लोगों की जिंदगी में अब आया है, लेकिन ये तो शुरू से ही हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती रही है। इस बात के लिए तुम क्या जवाब दोगी? बोलो, क्या सफाई है तुम्हारे पास? नहीं दे सकते, क्योंकि मैं मानती हूँ कि मैं हमेशा से गलत थी, मैं गलत हूँ। क्योंकि मानवी, मैं तुमसे नफरत करती थी। मैंने कभी तुम पर भरोसा नहीं किया क्योंकि मुझे लगता था कि तुम राहुल को डिजर्व नहीं करती हो। मेरी दोस्त अवंती उसका परफेक्ट मैच है, लेकिन मैं गलत थी, आई वाज रॉन्ग, और मुझे इसका एहसास है। आज जो तुमने किया वो देखने के बाद तो मैं खुद भी बदलना चाहती हूँ, मैं एक अच्छी इंसान बनना चाहती हूँ। और अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आता ना, तो मैं शालिन की कसम खाती हूँ। अपने पति की कसम खा के कहती हूँ कि मैं पूरी तरह से बदलने की कोशिश करूंगी, एक अच्छी इंसान बनूंगी। आई स्वेयर, प्लीज
प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, प्लीज आई बेग यू। निशा, कोई भी पत्नी अपने सुहाग की कसम झूठी नहीं खा सकती। मैं तुम्हें एक मौका और दूंगी, मैंने तुम्हें माफ कर दी। थैंक यू मम्मी, बहुत अच्छी इंसान हो, तुम्हें कितना गलत समझो, तुम बहुत अच्छी हो मानवी। शालीन ले जाओ। ये लड़की तुम्हारी माफी के लायक नहीं है मानवी, और मैं ये लिख के दे सकती हूं, ये कभी नहीं बदलने वाली। जब भी कोई चीज सच्चे मन से मांगी जाती है ना, वो पूरी हो जाती है। और हम सब यही चाहते हैं कि आप जल्दी से ठीक हो जाएं। तुमने मुझे कभी मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ा राहुल, किसी हाल में अकेला नहीं छोड़ा, किसी मोड़ पे नहीं छोड़ा, और आज मैंने तुम्हें अकेला, हे भगवान, मैं कुछ नहीं कर पाई। मैं तुम्हारे लिए सच में कुछ नहीं कर पाई। बहुत बुरी हूं मैं, बहुत कमजोर हूं, मुझे माफ कर देना राहुल। आज तुम्हारे साथ होके भी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई, तुम्हारा साथ नहीं दे पाई, मुझे माफ कर देना राहुल, मुझे माफ कर देना। पर अब ये नहीं होगा। हाँ राहुल, अब ये सिलसिला और नहीं चलेगा। अब मैं किसी को तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने दूंगी, चाहे वो कबीर कुछ भी कर ले, मगर मेरे रहते वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। फाइनली मैं अपने रूम में आ गई, वरना वहां तो राहुल और मौलवी की तारीफें सुन सुन के मेरा दिमाग पक गया था। निशा, बट हैट्स ऑफ टू यू यार, तुम क्या गिड़गिड़ाई हो, क्या सॉरी मांगा है तुमने उससे, और एंड शी बिलीव्ड यू वंस अगेन। कॉज शालीन, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। आई मीन उस सुपर ह्यूमन कबीर की पावर्स के सामने भी राहुल और मानवी बच गए, तो मेरे लिए समझदारी इसी में थी कि मैं फिलहाल उनके साथ रहूं और सही वक्त का इंतजार करूं, जब तक मैं कुछ बड़ा ना सोचूं। व्हाट निशा, तुम अभी भी नहीं रुकने वाली हो? निशा, तुमने अभी 2 मिनट पहले मेरे सर की कसम खाई थी। निशा, वो कसम झूठी थी। ऑफ कोर्स शाली, हाउ कुड ही डू इट। निशा, मैं तुम्हारा पति हूँ, एकलौता पति, इस पूरे घर के अंदर मैं ही मिला था तुम्हें। क्या बोलूं यार शाली, मैं क्या करती और तुम्हारी कसम नहीं खाती तो किसकी खाती। मुझे पता था कि वो लोग तुम्हारी कसम खाने पे मेरी बात का यकीन करेंगे, और ये जो मानवी टाइप की बहन जी लड़कियां होती है ना, इनके लिए ये सारी यूजलेस चीजें बहुत मायने रखती है, जैसे कि सुहाग की कसम खाना, पति की कसम खाना एंड ऑल दैट क्रैप। चाहे मानवी बहन जी तो सब ठीक है, पर तुम मुझे एक बात बताओ, ये कबीर नॉर्मल इंसान नहीं, ये बात तुम पहले से जानती थी कि नहीं? शालीन, तुम पागल हो गए हो। आई मीन अगर कबीर को मैंने उस रूप में कभी देखा भी होता या मैं उसकी सच्चाई जानती तो मैं उससे कभी बात भी नहीं करती, इट्स इम्पॉसिबल। और बात करना तो दूर, मैं तो उसका नाम लेने से भी डर रही हूँ। लेकिन शालीन, तुमने एक चीज ऑब्जर्व की, हम सब में से मानवी सबसे कम सरप्राइज हुई उसे देख के। आई मीन मानवी को देख के ऐसा लग रहा था कि वो ऐसी इम्पॉसिबल चीजें पहले भी देख चुकी है, उसके लिए कोई नई बात नहीं, डोंट यू थिंक? और तो और, जहां तक रहा राहुल का सवाल, तुमने उसे नोटिस किया? जब कबीर ने उस पर अटैक किया और पूरनमासी वाली बात कही, तो राहुल घसीटते हुए उसे घर से बाहर ले गया, उसे अपनी बात कंप्लीट ही नहीं करने दी। ऐसा लग रहा था कि कबीर कोई बहुत ही बड़ा राज खोलने वाला है। समझ गया, मतलब ये शालीन, ये जो कबीर की कहानी है वो यहाँ खत्म नहीं होती, कोई तो बहुत बड़ा सा राज है जो छुपा हुआ है, और मैं तो उसे पता लगा कर रहा हूँ। लेकिन एक बात के लिए मैं श्योर, इतना सब कुछ हो जाने के बाद कबीर चुप नहीं बैठने वाला। निशा, हाउ इज दैट पॉसिबल? कबीर का इतना खून बहा है, इतना जख्मी हुआ है वो, उसके बाद तुम्हें लगता है कि वो वापस आएगा?
राज प्लीज राज, काम डाउन, राहुल को कुछ नहीं होगा। नहीं सोनाली, अभी खतरा टला नहीं। वो कबीर, वो देखना, वो फिर से वापस आएगा, वो आएगा। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा। मेरा वो लालच, मेरी कामयाबी और पैसा कमाने की चाहत, सब उसकी वजह से हो रहा। ना मैंने उस बाघ को मारा होता, ना आज मेरे बच्चे की जान यूं इस तरीके से खतरे में। प्लीज काम डाउन राज, प्लीज ऐसे मत को, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी राज। मैं तुम्हारी बीपी की दवा लेके आती हूं। नहीं सुना, मुझे कोई दवा नहीं चाहिए, मेरा मर जाने ही अच्छा। सुनाली, मैं ऐसे नहीं जी पाऊंगा, इस गिल्ट के साथ मैं नहीं जी पाऊंगा। ना मैंने उस बाघ को मारा होता, ना आज मेरे बच्चे की हालत होती। इस सब का जिम्मेदार मैं हूं, मैं ही अपने बच्चे का दुश्मन बन गया। राज, अगर ऐसे खुद को कोसने से चीजें बदल जाती तो कब की बदल चुकी होती, पर ऐसा नहीं हुआ ना। अगर राहुल का ख्याल रखना ही है तो खुद का ख्याल पहले रखो। क्या ख्याल रखो, क्या ख्याल रखो सुनाली? अरे अपने बच्चे की तरफ देखता हूं तुम तो उस पर मंडराते हुए खतरे का ख्याल आता है मुझे। पहले उसका वो बाघ के रूप में बदल, और अब उस जानवर का उस पर हमला। ये सब कुछ कब रुकेगा, कब? विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। Thank God. कि राहुल को ज्यादा चोट नहीं लगा। There is no serious injury. हम तो एकदम डर गया था, घबरा गया था, समझ में नहीं आ रहा था करे तो क्या करे। लेकिन मानना पड़ेगा राहुल को, कैसा डट के मुकाबला किया वो शैतान कबीर का। वो सिचुएशन अभी भी हम सोच रहा तो हमारा तो एकदम हालत खराब हो रहा है, एकदम खून जम जाता है हमारा बॉडी का। क्या करेगा, ये कबीर भी वही है, ये अग्नि भी वही है, उसका ऐसा बड़ा बड़ा सिंह निकल आया शैतान का जैसा। हाँ, देखते देखते इंसान से सांड बन गए। ना कभी ऐसा सुना, ना कभी देखा। सच में मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आता। मतलब इससे पहले भी कई बार उससे बातें की थी, पर ऐसे अजीब कभी महसूस नहीं हुआ। हर्ष के इलाज के वक्त तो वो पूरा टाइम हॉस्पिटल में ही था, तभी भी ऐसा कुछ नहीं लगा। फिर अचानक से ये, पता नहीं इस बारे में किसी को मालूम भी होगा या नहीं। मुझे मालूम था। की बोल चीज़ थी? नहीं मतलब तुमको मालूम था और तुमको बताया नहीं? ऐसा कैसे कर सकता है तुम? इतनी बड़ी बात तुमने हमसे छुपाई क्यों थी? मतलब वो शैतान मानवी के आसपास कैसे रहने दिया तुमने? तुमने जरा भी नहीं सोचा अपनी बहन के बारे में? माँ, मैंने मानवी के लिए सोचा, इसीलिए ऐसा किया। मैंने उसे अपनी आंखों से जानवर बनते हुए देखा है, और वो ये बात जानता था कि मुझे उसकी सच्चाई पता है, इसीलिए मुझे उसने धमकी दी थी कि अगर मैंने उसके बारे में किसी को भी बताया तो वो मानवी की जान ले लेगा, जैसे उसने इंस्पेक्टर पृथ्वी की ली। I am sorry, माँ, मैं बहुत डर गया था माँ, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटा हर्ष, गलती तुम्हारी नहीं है, तुम नहीं, हम भी उसे देख के बहुत घबरा गए थे। हाँ नहीं, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो कबीर है ये राहुल के फैमिली के पीछे क्यों पड़ा, और जैसे वो देख रहा था ना राहुल का तरफ, उसका आंख नॉर्मल नहीं था, बहुत डेंजरस लग रहा था उसका आंख, और हमको लगता है कि वो मानवी के पीछे ही नहीं पड़ा है, बात कुछ और भी है। बस बेटा बस, सब कुछ सही हो जाएगा, देख मैं अभी दवाई लगा दूंगी, तुम्हें अब थोड़ा ही सहना है, हो गया बेटा। ये लेप लगाने के बाद तुम्हें आराम मिलेगा। शांत हो जाओ बेटा, तुम्हारा नाम अग्नि है, अग्नि जिसका अंत करना इतना आसान नहीं है, और मैं हूं ना
मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ भी नहीं। मेरे बेटे का ये हाल करके तुम दोनों ने अच्छा नहीं किया राहुल और मानवी, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अब तक तुम मेरे दुश्मन नहीं थे, वो बाघ था, पर अब तुम दोनों हो, सिर्फ तुम दोनों।